वांश। हेलो वांश लवर्स एंड ईशान लवर्स। तो गाइस कैसे आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आप लोग आज बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, क्योंकि आज हमारे शाहजान का, हमारे जानगर का आज बर्थडे है। तो हैप्पी 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 बर्थडे टू यू। एंड मेरी एक सब्सक्राइबर कंचना जी का भी आज बर्थडे है, तो उन्हें भी ढेर सारी बर्थडे की विशेस। तो फिर चलिए आज का पार्ट हम स्टार्ट करते हैं, तो प्लीज़ मेरे साथ चलो। तो क्या तुम चलोगे ना? और प्लीज़ देखो, अपने बिजन से मुझे मारना नहीं हाँ, क्योंकि मेरे पास सुविधा नहीं है और मैं उसे उठा नहीं पाऊँगा। ये क्या कह रहे हैं आप? वो इशारों में पूछता है। हमारा शौजान उसके हाथों को पकड़ता है प्यार से, उसे धीरे से स्क्वीज करता, कहता है, ट्रस्ट मी, अगर मुझे तुम्हें हर्ट करना पड़ होता तो तुम जब सोए थे तभी मैं तुम्हें हर्ट कर देता। इतना तो ट्रस्ट करते हो ना तुम मुझ पर, थोड़ा सा कर लो। हमारा प्यारा सलंजा अपने सर को हिलाता है और क्यूट सा पाउट करता है और हाँ कहता है। जान कहता है, एक मिनट, सबसे पहले तो तुम अपने चेहरे को कवर करो, मैं नहीं चाहता कि मेरी वाइफ ही को ऐसे कोई देखे। तुम ये लो, वो उसे एक वेल देता है। एक तो हमारा प्यारा सा लज्जा ओबीडियंटली उसे पहन लेता है, क्योंकि वो भी जानता है कि उसकी ब्यूटी की वजह से वो खुद भी कितने ट्रबल में पड़ जाता है, तो वो यहाँ कोई ट्रबल क्रिएट नहीं करना चाहता। फिर वो दोनों हमारे इन से बाहर आते हैं और पे करते हैं। फिर वहाँ से वो लोग राजमहल में चले जाते हैं। रास्ते में हमारी जान को एक मास्क मिलता है और वो तुरंत ही उसे बाई कर लेता है और उसे पहन लेता है। लंजा उसकी तरफ हैरानी से देख रहा था और कन्फ्यूजन के साथ। तो फिर हमारा जान कहता है, अरे ऐसे क्यों देख रहे हो? तुम क्या चाहते हो, एक ही राजमहल में दो दो महाराज दिखे क्या? लोग बेहोश हो जाएंगे। इससे अच्छा अभी कुछ समय के लिए आइडेंटिटी छुपा के रखूँ। वैसे भी रियल आइडेंटिटी क्या है ये तो तुम्हें पता नहीं है। ऐसा करो, हम पहले राजमहल चलते हैं और आपके रियल हस्बैंड को सब कुछ बताते हैं, फिर वो जो डिसाइड करेंगे हम वो करेंगे। तो वहाँ से वो दोनों एक साथ राजमहल के मेन एंट्रेंस पे पहुँचते हैं। गार्ड्स उन्हें रोकते हैं, पर हमारा प्यारा सलंजा अपने लैंड क्लैन का फॉरेन रिबन शो करता है, जिससे उन्हें तुरंत ही एंट्री मिल जाती है, क्योंकि शादी हुई है रेंट लैंड की हमारे वी क्लैन से। तो ऑफकोर्स वहाँ के हर मेंबर को अलाउ है जाना, और हमारे लंजा ने तो अपनी आइडेंटिटी दिखाई थी कार्ड जिस पे उसका नाम हैंगविंग जुन लिखा था। तब हैंगविंग जुन को कल्टिवेशन वर्ल्ड में कौन नहीं जानता, तो उसे आराम से एंट्री मिल जाती है। वो यहाँ सीधे वहाँ से वो दोनों ही हमारे महाराज व्यूशियान के कमरे में जाते हैं, उसे नॉक करते हैं पर कोई रिप्लाई नहीं आता। तब जान कहता है, मुझे लगता है कि ये सच में अभी तक सो रहा है, देखा कितना ज़्यादा ड्रंक था, अभी सुबह हो गई है इतनी ज़्यादा और अभी भी ये सो रहा है। फिर वो पुश करता है गेट को और वो खुल जाती है। धीरे से वो दोनों ही अंदर एंटर करते हैं और तब हमारा लंजा देखता है कि होशियान बेड से नीचे ज़मीन पर गिरा हुआ है और वो वैसे ही सो रहा है। अजान मुस्कुराते हुए कहता है, चलो कर्स का आधा हिस्सा तो पूरा हो गया कि ये बेड से गिर गया, पर दांत टूटना ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अभी तक मेरे दांत हैं तो इसके तो टूटे नहीं होंगे। ओह, वो कहता है, रंजा तुम बेड पे बैठ जाओ, मैं इसे उठाता हूँ। वो धीरे से उसे शेक करता है, उसके ऊपर पानी छिड़कता है और हमारा होशियान धीरे धीरे अपने कॉन्शियस में आता है और अपने सामने एक अनजान पर्सन को देखे वो गुस्से में अपनी सुई बहन बुलाता है और सीधा उसके नेक पर रख देता है। वो जान कहते रुको रुको रुको, अरे रुको, क्या कर रहे हो, मुझे मार डालोगे क्या? और तुरंत ही उसे डिफेंस करने के लिए बिचन सामने आ जाती है। हमारे होशियान शॉक हो जाता है कि बिचन, और तब वो टर्न करता है, पीछे लंजा खड़ा था और उसने अपनी मास्क को उतार दिया था। वो कहता है, क्या कर रहे हो तुम? तो फिर सामने खड़ा पर्सन कहता है, मेरी बात सुनो, मैं कहता हूँ वो तो बोल भी नहीं सकता, उससे क्या पूछ रहे हो, और वैसे भी मैं बता रहा हूँ ना। तो होशियान गुस्से में कहता है, मेरे कमरे में क्या कर रहे हो तुम,
क्या तुम्हें पता नहीं महाराज के कमरे में ऐसे घुसना कि गलती की सज़ा क्या होती है। वो कहता है, हमारा शाहजहान कहता है, एक मिनट, अगर महाराज तुम हो मीन्स आप हैं तो फिर मैं भी प्रिंस हुआ। क्या कह रहे हो, बकवास मत करना, बंद करो। मैं कोई बकवास नहीं कह रहा हूँ, रुको। वो धीरे से अपने मास्क को खोलता है और हमारा उशियान देख के शॉक हो जाता है। उसकी सुबियान भी वापस उसके पास आ जाती है और बिजन लंजा के पास। वो कहता है, देखा, शाहजहान कहता है, देखा, शॉक हो गया ना, वो बहुत तुम्हारे जैसा। ओहो माय ब्रदर, मैं आपका ट्विन ब्रदर हूँ शाहजहान। क्या, उशियान कहता है शॉक होकर, मेरा कोई भी ट्विन ब्रदर नहीं है। तो जान कहता है, अरे तो फिर ये चेहरा कैसे सेम टू सेम हुआ? आपको भी पता है हम दो पर्सन का चेहरा एक साथ तभी होता है एक सेम जैसा अगर वो दोनों ट्विंस हो। इसका मतलब हम दोनों ट्विंस हैं। तो अगर आप महाराज हो तो एटलीस्ट मुझे राजकुमार का टाइटल तो मिलना चाहिए ना। गुस्से में उसके गर्दन पे वापस से तलवार रखता है, कहता है, झूठ बोले तुमने कौन सी ब्लैक मैजिक का यूज़ किया है। शाहजहान कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मैंने कोई ब्लैक मैजिक का यूज़ नहीं किया है, इनफैक्ट मेरे पास तो गोल्डन कोर भी नहीं है, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। उशियान उसे चेक करता है और कहता है, सच में क्या तुम कोई कल्टीवेटर नहीं हो? जान कहता है, नहीं मैं पहले था पर अब नहीं हूँ। उनको कन्वर्सेशन चली रही थी और तब वो कहता है, मुझे तुम पे भरोसा नहीं है, मुझे मेरी मदर से कन्फर्म करना होगा। तो फिर जान कहता है, ऑफकोर्स माई ब्रदर, आप कन्फर्म कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वैसे मुझे एक बात पूछनी थी, क्या हम लंजा को शेयर कर सकते हैं? वो गुस्से में कहता है, नहीं, ये क्या कह रहे हो तुम? हमारा शाहजहान प्यार से पाउच करता है, कहता है, क्यों, वो कितना ब्यूटीफुल है, मुझे भी वो चाहिए। अगर आपकी वाइफ ही है वो तो फिर मैं क्यों नहीं शेयर कर सकता, हम दोनों तो ट्विन ब्रदर है ना। वशन गुस्से में कहता है, देखो मेरे दिमाग को ख़राब मत करो, मेरे सर में ऑलरेडी दर्द हो रहा है और जब तक यहीं रहो जब तक मैं कंफर्म नहीं कर लेता कि मेरा कोई दूसरा भाई भी है, वो भी ट्विन। वो कहता है, जान कहता है, ठीक है आप जा सकते हैं। हमारा वशन एक टॉवल लेता है, कुछ रोप्स उठाता है और बाथ लेने के लिए चला जाता है। और यह हमारा लंजाराम से बेड पर बैठा हुआ था और फिर जान उसके पास आता है तो हमारे लंजा ने पाउच किया हुआ था और उसकी तरफ देख रहा था। और हमारा वशियान कहता है, जान कहता है, अच्छा ठीक है, मेरी गलती है कि मैंने आपको बताया नहीं एम्प्रेस कि मैं उनका आपका हस्बैंड का ट्विन ब्रदर हूँ। एक्चुअली ये बात मुझे भी नहीं पता थी कि मैं आपके हस्बैंड का ट्विन हूँ। कल आप दोनों की शादी हुई और मैंने कल आपको वहाँ देखा मीन्स मेरे भाई को और तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि हम दोनों बिल्कुल सेम हैं और मुझे लगा कि मैं उनका ट्विन हूँ। तो बस मैं कंफर्म करना चाहता हूँ और कल रात में मैं आपके कमरे में आया था, मुझे पता है टाइमिंग बहुत ही ख़राब थी पर मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस था जाने के लिए। तो और मैंने देखा कि वो आपको कैसे हर्ट करा, आपको कैसे बाइट किया, तो फिर मैंने आपको दोनों को बेहोश कर दिया और मैं आपको उठा के वहाँ लेके चला गया। मुझे पता है मैंने गलत किया है और ये बिल्कुल गलत है, इस तरीके से करना बिल्कुल गलत है, पर मुझे लगा कि आप हर्ट हो जाओगे। तो बस वो कहते कहते थोड़ा डर रहा था कि लंजा का रिएक्शन कैसा होगा। लंजा उसके हाथ को पकड़ता है और एक ब्राइट सी स्माइल करता है और इशारा में कहता है, कोई बात नहीं, सच क्या है ये बाद में जानेंगे, पर थैंक यू, क्योंकि मुझे भी दर्द हो रहा था उनके किस से। वो बहुत ही बुरे तरीके से किस कर रहे थे, वो बहुत ही प्यार से अपने फिंगर्स को रोल हिलाते हुए बताता है और उसके एक्सप्रेशंस बहुत ही ज़्यादा क्यूट थे। तो फिर हमारा जान मुस्कुराता है और कहता है, ठीक है अभी आप मुझे हस्बैंड मत कहिए पर आप हमें जानगा कह सकते हैं। तो फिर वो क्यूटली अपने फिंगर्स को मूव करता है और जानगा बताता है। और तब जान कहता है, काश मैं तुम्हारी आवाज़ में अपनी नाम सुन लेता तो कितना खुशी होती मुझे। बस ही बातें कर रहे थे और तब वहाँ से वशियान आता है, वो कहता है, क्या कर रहे हो तुम?
वो दोनों ही अचानक से इतनी डार्क इतनी डीप वॉइस सुनकर डर जाते हैं। अशियान कहता है, जब तक ये पता नहीं चल जाता तुम कौन हो, मेरी वाइफ से दूर रहो। उसने बहुत ही मेरी वाइफ शब्द में प्रेशर डाला था ये बताते हुए कि हिम्मत भी मत करना मेरे लंजा के आसपास भटकने की भी। हमारा लंजा तो शॉक हो गया था, वो बड़ी बड़ी आंखों करके उसकी तरफ देख रहा था। अशियान कहता है, मुझे नहीं पता कि तुमने क्या किया लैन से चैन की जगह, तुमने मुझसे शादी क्यों की, पर अब तुम मेरी एम्प्रेस हो। ये अलग बात है कि तुमने सबको धोखा दिया है, सब हमें तुम्हें चलना होगा, रूल के हिसाब से तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी और फिर हम देखेंगे कि क्या होगा। तब तक वहाँ कुछ रोप्स पड़े हैं, उसे वेयर कर लो, हमें सभा के लिए जाना है। हमारे लंजा ओबीडियंटली वो रोप्स लेता है और चुपचाप चेंज करके आता है। उस रोप में तो हेवन की डीटी से भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था, बहुत ही ज़्यादा प्रीटी। और दोनों ही लंजा को ऐसे देखकर उन दोनों के मुंह खुल जाते हैं और तब अशियान शाहजहान की तरफ देखता है और गुस्से में कहता है, क्या कर रहे हो तुम? जान पाउट करते हुए कहता है, अपनी होने वाली वाइफी को देख रहा हूँ, क्यों नहीं देख सकता? अशियान गुस्से में कहता है, होने वाली वाइफी क्या कह रहे हो तुम? तो फिर जान कहता है, ओहो गगो, वो आपकी वाइफ ही हैं तो मैं भी शादी कर ही लूँगा कुछ दिन में, तो मेरी होने वाली वाइफ ही हुई ना वो। अशियान कहता है, चुप, एकदम चुप, और चुपचाप ये मास्क पहनो, मैं नहीं जा रहा कि जब तक सच क्या है सबको पता चले तुम ऐसे ही घूम दो। तो फिर जान कहता है, ठीक है, वैसे गगो क्या है, मैं बातें तो कर सकता हूँ उससे, ढेर सारी शो करने का, पर उसके इतने करीब मत जाना कि मेरी सुई बहन तुम्हारे गले के आर पार चली जाए। ओके गगो, अब मुझे इसे डरा रहे हो, क्योंकि मुझे आपकी सुई बहन से बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैंने आपकी सुई बहन के बारे में बहुत कुछ सुना है। तो अच्छी बात है, लंजा तुम रेडी हो? वो कहता है और लंजा उसके सामने आ जाता है। तो चलो यहाँ से, वो दोनों जाने वाले थे। तब जान के दर को ऐसे भी अपनी एम्प्रेस को कोई लेके जाता है क्या? एम्प्रेस चलिए हमारे एम्प्रेस का हाथ पकड़िए और बहुत ही प्यार से उनके साथ जाइए, वरना ऐसा करिए भूषण गगो, आप हटिए मैं जाता हूँ, वैसे भी मैं आपकी वाइफी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूँगा। भूषण गुस्से में उसकी तरफ देखता है और ख़ुद लज्जा के हाथ को टाइटली पकड़ लेता है और उसे वैसे ही लेकर सभा में जाता है। इससे पहले कि वो दोनों सभा के ले जाएँ, कुछ सर्वेंट्स वहाँ आती हैं उन लोगों का खाना लेकर, तो वो दोनों को मजबूरी में खाना फिनिश करना पड़ता है। तो वो दोनों खाने खाने के लिए टेबल पे बैठ जाते हैं और हमारा जान इस मौके का फ़ायदा उठा के किसी के कमरे में जाता है, वो उसे नॉक करता है और सेनापति यांग यांग दरवाज़ा खोलते हैं। वो कहते हैं, महाराज आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे जान ने मास्क उतार दिया था। तो वो बैठते हैं वो दोनों एक साथ सामने और तब हमारा शाहजान कहता है, मैं आपका महाराज विश नहीं हूँ, क्या कह रहे हैं महाराज आप? तो जान सब कुछ एक्सप्लेन करता है कि वो पास्ट वो फ्यूचर से आया है, वो इस दुनिया का नहीं है, वो इस दुनिया में पहले था पर अब वो पास्ट को बदलने आया है, फ्यूचर से आया है। ये सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद उसे वो भी बताना पड़ता है कि कैसे हमारा लंजा की मौत हो गई थी इस दुनिया में और क्या क्या हुआ था। हमारा सेनापति यांग यांग सुनकर शॉक हो जाता है और वो गुस्से में अपनी तलवार को उठा लेता है। जान कहता है, रुको रुको रुको, देखो तुम्हें मेरी बातों पर ट्रस्ट करना होगा और तुम एक पर्सन हो जो इस दुनिया इस वीक लैंड में बहुत ही स्मार्ट हो और सबसे ज़्यादा स्मार्ट हो, तो मैं तुम्हारे अलावा तुमसे तुम पे ट्रस्ट के अलावा किसी पे नहीं कर सकता, तो प्लीज़ मेरी हेल्प करो, प्लीज़ रुको। यांग गुस्से में कहता है, क्या कह रहे हो तुम? दिमाग ख़राब हो गया है? तब कह रहे हो कि वो मर गया था, वो मेरे सामने भी ज़िंदा है। हाँ वही तो अभी ज़िंदा है क्योंकि अभी वो समय नहीं है, पर उसे हर्ट होगा। देखो तुम्हें मेरी बातों पर बिलीव करना होगा। क्यों बिलीव करूँ मैं तुम्हारी बातों पर? हाँ ठीक है, मैं प्रूव कर सकता हूँ। कैसे? करके दिखाओ। देखो अभी सभा होने की जहाँ दोनों को एंट्री करना होगा, है ना?
हाँ तो तुम महाराज के बगल में खड़े हो गए, ये सब जानते हैं कि मैं उनके बगल में खड़ा रहता हूँ। हाँ ठीक है, पर उन्हें हमारे एम्प्रेस को पनिशमेंट मिलेगी उस लैंड ट्रियन से, एल्डर लैंड से, और पनिशमेंट में उसे 100 कोड़े मिलेंगे और उसे लैंड ट्रियन से निकाल दिया जाएगा, उसके 400 रिबन को छीन लिया जाएगा। क्या तुम ऐसे कैसे कह सकते हो? देखो ये कोई नियम नहीं है, ये बात तुम भी जानते हो, पर मैं बता रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि पनिशमेंट उसे मिल चुकी है, और मैं चाहता हूँ कि तुम हमारे महाराज को कन्विंस करो कि जब हमारे लंजा से उसका 400 रिबन ले रहे हो वो एल्डर लैंड, तो वो बीच में उसे रोके और उसे प्रोटेक्ट करते हुए उसका 400 रिबन उसे वापस करें। प्लीज़ ऐसा कन्विंस करो, क्योंकि छोटी छोटी थिंग से ही उस पर लंजा का ट्रस्ट खुशियान पर स्ट्रॉन्ग होगा, उनके बीच में प्यार होगा, फिर ना इनके बीच की दूरियां बढ़ती जाएंगी। प्लीज़ मेरी हेल्प करो। यांग यांग अपनी तलवार अंदर रखता है और कहता है, ठीक है तुमने ये सब कुछ कहा है, तुम्हारी ये बकवास पर मैं बिलीव कर रहा हूँ, अगर ये बकवास सच नहीं होगा तो तुम्हारा सर और मेरी तलवार। जान कहते ठीक है, तुम्हें जो करना है वो करो, मैं पक्का चलाऊँगा अगर ये बात सच नहीं हुई तो। यांग कहता ठीक है, और फिर वो वहाँ से सभा के लिए चला जाता है। और फिर यहाँ से हम सभा का सीन देखते हैं, जहाँ पर ऑलरेडी सब कोई था, हर क्लैन के लोग थे, क्योंकि आज हमारी एम्परर और एम्प्रेस को उन्हें बहुत सारी ग्रीटिंग्स, गिफ्ट्स और उन्हें बहुत सारी ब्लेसिंग्स देनी थी एल्डर्स को। और हमारे प्यारे से एम्प्रेस और एम्परर को बहुत ही सारी ब्लेसिंग्स मिलनी थी, तो वो दोनों आते हैं, एंटर करते हैं, और वहाँ सब देख के शॉक हो जाता है कि महाराज किसका हाथ पकड़ के आ रहे हैं और किसी ला रहे हैं, उन्होंने किसे एम्प्रेस की कपड़े पहनाए हैं। अंगल चियान एल्डर लैंड खड़े होकर कहते हैं, फांग जी ये क्या तरीका है, तुम सिचान की जगह क्या कर रहे हो, और सिचान कहाँ है? हमारे शौजान ऊपर से ही सभा के मेन एक गेट से, एक छोटे से खिड़की से ये सब कुछ देख रहा था। बुशियान जाकर सीधे अपने सिंहासन में बैठ जाता है, और हमारा लंजा सभा के बीचों बीच एक मुजरिम की तरह मानो वहाँ खड़ा हुआ था। वो कुछ भी नहीं कहता था, ऑफ कोर्स वो कुछ कह नहीं सकता था। तो हेल्डर लैंड गुस्से में कहते हैं, इसका मतलब ये सच है कि तुमने लैंड सिचान को चिंती में बंद कर रखा है, और शून्यांग को भी, इसीलिए हाँ मुझे आज सुबह एक तितली संदेश मिला था, पर मुझे लगा कि वो लोग मजाक कर रहे हैं, पर ये सच है। वांगजी कुछ नहीं कह रहा था, उसने अपना सर केवल नीचे झुका रखा था, क्योंकि ये सब कुछ सच था। उसने अपने गग को जिंसी में बंद कर रखा था, और शोयांग को भी। शोयांग के बारे में हम लोग आगे जानेंगे कि वो कौन है, वो कुछ भी नहीं कह रहा था। तो फिर एल्डलैन कहते हैं, वांगजी मुझे कभी नहीं लगा था कि तुम ऐसा करोगे, बताओ मुझे कि तुम्हारी ऐसी कौन सी मजबूरी थी, तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ा, अपने ही भाई के होने वाले हस्बैंड से शादी करनी पड़ी, उसका जगह लेना पड़ा। वांग जी क्यों किया तुमने ऐसा? वो गुस्से में उसके हाथ को पकड़ते हैं टाइटली। वांग जी कुछ नहीं कह रहा था। तो फिर हमारे चिरान कहते हैं चिल्लाकर, लैंड वांग जी सच क्या है बताओ मुझे। ऐसे उसकी हार्ड वॉइस सुनकर लंजा डर जाता है, और वो अपनी फिंगर्स को मूव करता है इशारों में, बताने की स्टार्ट करता है, अंकल मैंने ये सब पावर के लिए किया। और ये सुनकर ही अंकल चिरायन की तो हालत ख़राब हो जाती है, वो उनका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है, और कहते हैं, वांग जी मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम ये चाहोगे, तुम्हारा रिप्लाई ये होगा, तुम पावर के लिए तुमने ये सब कुछ किया, तुम कितने ज़्यादा गिर गए हो वांग जी पावर के लिए, मैं रिग्रेट करता हूँ ये सुनकर। ठीक है तो तुम्हें पनिशमेंट मिलेगी वांग जी, तुम्हें पता है ना किसी को चीट करना कितना गलत होता है लैंड ट्रैन में। वांग जी अपने घुटने पे बैठ जाता है, और वो कहता है, मैं पनिशमेंट के लिए रेडी हूँ। और यह हर कुछ वही हो रहा था जैसा हमारे शौजान ने कहा था, और यांग यांग बस खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। तो फिर
वो वेट करता है कि आखिर उसे क्या पनिशमेंट अंकल चिरान अपने नफियों को देते हैं। तो फिर वो गुस्से में कहते हैं, लान वांग जी, सबसे पहले तो तुम्हें 100 कोड़ों की सज़ा मिलती है। 100 कोड़े एक कल्टीवेटर के लिए, 100 कोड़े उसे ज़िंदा मारने के लिए काफ़ी है। तो तुम्हें ये सज़ा मिलती है, तुम कभी भी अपने पावर्स का यूज़ नहीं कर पाओगे। जो तुम्हें बेनिफिट लिए हैं उसका कभी तुम यूज़ नहीं करोगे। और दूसरा, तुम हे इस लैंड क्लैन से बाहर धक्के मार के निकाला जाता है और अब तुम लैंड क्लैन के मेंबर्स नहीं हो, और इसलिए तुम्हें अपना ये 4 हेड रिबन देना होगा वापस मुझे। रंजा की आँखों से आंसू आ जाते हैं, इसलिए नहीं कि उसे 100 कोड़ों की सज़ा मिली है, इसलिए नहीं कि उसे लैंड क्लैन से निकाल लिया गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसका यह रिबन उसे छीन लिया जाएगा। और तब यांग यांग को बिलीव हो जाता है कि सच में वो पर्सन फ्यूचर से आया है। और तब वो शियान की तरफ झुकता है और उसे कुछ कहता है। तो हेलो वांगशी लवर्स एंड ईजा लवर्स, तो आज के लिए बस इतना है। तो गाइस, हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं कि क्या करता है हमारा वो शियान और ये रिबन की स्टोरी क्या है। तो गाइस, ऑलवेज लव वांगशी एंड ईजान। बाय बाय गाइस एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।